सहायक पुलिस पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले गिरिडीह के झंडा मैदान में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस के दौरान हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन झारखंड की गद्दी खाली करो के नारे लगाए गए। संविधान के जो मौलिक अधिकार जनता को मिले उनका हनन कर दिया जा रहा था, और उसी के विरोध में जब हमारे डेडिकेशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम सहायक पुलिसकर्मियों का साथ दे रही थी, तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण और दोषपूर्ण कार्रवाई किया, भेदभाव से ग्रसित काम किया और सभी लोगों पर लाठीचार्ज किया। बहुत सारे व्यक्तियों को लगता जान से मारने का भी कोशिश किया गया, किसी के माथे में मारा, किसी के ऐसा मार दिया गया कि वो आईसीयू में जाकर एडमिट हो गया। अब इसी तरह की व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बोलने का अधिकार है कुछ छीन लिया जा रहा है। आपातकाल की स्थिति की ओर झारखंड में बढ़ रहा है, झारखंड शोषित वंचित पीड़ितों का झारखंड नहीं है, झारखंड के लोग जाग चुके हैं, झारखंड के लोग अपना न्याय के लिए हक और अधिकार के लिए रोड पर आ सकते हैं, और जो भी व्यक्ति न्याय की बात करेगा, जो भी व्यक्ति समन्वयवाद के खिलाफ बात करेगा, जो भी व्यक्ति आज टावर चौक पे हम लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। कल आपका रांची में जो हमारे जीडीपीसीएस के कार्यकर्ता थे और सहायक पुलिस कर्मी जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए थे, तो वहाँ पे जो लाठीचार्ज करके कर दिया गया, जिसके खिलाफ आज हम लोग टाइगर जयराम दादा के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे पूरे झारखंड के हर एक प्रखंड में पुतला दहन का यहाँ कार्यक्रम रखेंगे।